फोन में बहुत सारी फोटोज, वीडियोज और म्यूजिक होते हैं, जिसमें से कुछ फोटोज, वीडियो एवं म्यूजिक को आप प्राइवेट रखना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें आपको समझ में नहीं आ रहा है। डोंट वरी, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जो हैं अपने फोटोज, वीडियोज व कॉल रिकॉर्डिंग को प्राइवेट कर सकते हैं, वह भी अपने फ़ोन के कॉलर डायलर से बहुत ही आसानी से, जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और आपका काम भी हो जाएगा। यदि आप इसे सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके फ़ोन में एक एप्लीकेशन जो है वह इंस्टॉल होना चाहिए, जिसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद जो है आप इस एप्लीकेशन को सिंपल ही ओपन पे क्लिक करें। जैसे ही ओपन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको यहाँ पे एरो का निशान नीचे की ओर दिखेगा, आप इस पे क्लिक करते जाएं और सबसे अंत में आप जो है यहाँ पे जो है आपको परमिशन के लिए बोला जाएगा। तो आप जो है नीचे की ओर आप देख रहे हैं लेट्स डू इट, आप इस पे क्लिक करें और सिंपल ही आप जो है अलाउ पे क्लिक कर दें। और जैसे ही अलाउ पे क्लिक कीजिएगा तो आपका परमिशन जो है यहाँ पे सही का निशान बनकर आ जाएगा। आपको यहाँ पे फिर से सही का जो निशान है उस पे क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो है एक सिक्योरिटी क्वेश्चंस लिखकर एक आएगा। आप जो है यानी कि इस एप्लीकेशन में यदि आप जो है पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप उसको कैसे फिर से रिकवर कर सकते हैं, तो इसमें जो है आपको यहाँ पे अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन चुनना है। नीचे की ओर आप यदि यहाँ पे देखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इसमें से चुन सकते हैं। इसमें से आप जिसको भी चुनना चाहते हैं उस पर क्लिक करके और आप जो है क्या आंसर देना चाहते हैं आप यहाँ पे सिंपल ही टाइप कर दें और जस्ट आपको नीचे की ओर आना है और सेव पे आपको क्लिक करना है। सेव पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको अब एक इंस्ट्रक्शन शो होगा। आपको 4 डिजिट का यहाँ पे पासकोड बनाना है, जिससे कि आप जो है अपने फोटोज वीडियो जो है उसको रख सकते हैं। तो सिंपल ही आपको ओके करना है और आपके सामने जो है यहाँ पे डायलर ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे 4 डिजिट का एक पासकोड बनाना है, तो जैसा कि मैं यहाँ पे 2580 बनाता हूँ और जस्ट आपको यहाँ पे जो डायलर का निशान दिख रहा है हरा वाला, आपको इस पर क्लिक करना है। तो आपका पासवर्ड जो है वह पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। तो चलिए हम कुछ फोटोज़ वीडियो को भी इसमें हाइड करके यानी कि छुपा कर देखते हैं। आपको पासवर्ड टाइप करना है और जस्ट यहाँ पे नीचे की ओर क्लिक करना है, जस्ट आपको ओके करना है। और जैसे ही ओके कीजिएगा तो आपके सामने जो है यहाँ पे देखिए, फर्स्ट में यहाँ पे आप इमेज को छुपा सकते हैं, इस पर वीडियोज हैं, ऑडियो हैं, फाइल्स हैं। तो आप जो है जिसको छुपाना चाहते हैं सिंपल नहीं आप उस पर क्लिक करें। जस्ट हम इमेज को छुपाना चाहते हैं तो हम इमेज पर क्लिक करते हैं और नीचे की ओर आपको प्लस पे क्लिक करना है, तो आपके सामने जो है आपका इमेज जो है यहाँ पे आ जाएगा। आप जो है जिस भी इमेज को आपका फ़ोटो जो है गैलरी में जहाँ भी है आप उस पर क्लिक करके और डन पे क्लिक कर देते हैं, तो यह इमेज जो है यहाँ पे हाइड हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 आइटम्स इन इमेज है। वीडियो यहाँ पे जस्ट आप बगल में देखेंगे तो वीडियो है, ऑडियो है, इन सभी का प्रोसेस जो है बिल्कुल सेम है। और जस्ट ऊपर में आप यहाँ पे सेटिंग है जो कि यह ऐप के बारे में दिया गया है। आप इस एप्लीकेशन में यहाँ पे डार्क मोड जो होता है उसको आप यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। जैसे कि यह पहले डार्क मोड में था, अब लाइट में आ गया। यहाँ पे कुछ भी डिलीट होगा तो आप यहाँ से ट्रेस जो होता है या डिलीट फाइल होता है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। गूगल में जो कुछ भी सर्च करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो उसकी एक जो होती है कॉल हिस्ट्री जो होती है कॉल हिस्ट्री बन जाती है। तो आप इसे यदि डिलीट करना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोड है। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करिए। आप
चैनल पे पहली बार आए हैं तो टेक सिक्योर वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब